हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका बीपीएससी करंट अफेयर्स के वीडियो नंबर 10 में। पार्ट 10 है और आज इस वीडियो के कम्प्लीसन के बाद हमारा टोटल 200 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। 200 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसमें हमने और इसीलिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे जो मैंने अब तक 10 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, दसों का टोटल 200 करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दिया है। वहां से आप लोग वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उस पीडीएफ फाइल में मैंने ये मेंशन कर दिया है कि जैसे कि मैं बता देता हूं, उसमें करंट अफेयर्स नंबर 1 से लेके 177 तक, ये दोनों, ये जो नंबर है 1 से लेके 177 तक अगस्त और सितंबर महीने का है, और बाकी अगर 178 से लेके 200 तक इसके ये जुलाई महीने का है। तो अभी जुलाई का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें ये मेंशन भी किया हुआ है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद या फिर टाइम ना हो तो सीधे उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं वीडियो के बिना देखे हुए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वीं वर्षगांठ, उनका 75th जन्मदिन के अवसर पे 3 बुक्स रिलीज की। ये तीनों बुक के नाम आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। पहला बुक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, और ये एक तरह से उनकी बायोग्राफी है जो कि लिखी गई है नागेश कुमार के द्वारा। दूसरी बुक की बात करें तो ये इसका नाम है सेलिब्रेटिंग भारत, सेलिब्रेटिंग भारत, ये द है ना, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक फोटो क्रोनिकल है जो कि एक तरह से कॉफी टेबल बुक टाइप बोल सकते हैं, और ये कंपाइल किया गया है डॉक्टर आईबी सुब्बा राव के द्वारा, जो कि उनके आई थिंक सेक्रेटरी भी थे जब वो बीपी थे, ठीक ना। और तीसरा बुक ये तेलुगु में है, महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये भी एक तरह से पिक्टोरियल बायोग्राफी है और तेलुगु में लिखी गई है और इसको लिखा है संजय किशोर ने। अगला करंट अफेयर, सेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी एंड ब्लू ओरिजिन, ये आपको मैंने पहले ही मैंने मेंशन किया है किसी करंट अफेयर वीडियो, मुझे याद है कि ये ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है ना। इन दोनों ने ये अनाउंस किया है कि इन्होंने इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है, और इस पार्टनरशिप के तहत ये इंडिया से किसी व्यक्ति को इनका जो न्यू सेफर्ड मिशन है उसके तहत ये अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। ये मिशन शायद कंप्लीट भी हो गया है और ये मैंने सितंबर के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मेंशन कर रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। एयर इंडिया जो कि इंडियन एयरलाइन कंपनी है, इसने साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र के अमरावती में खोलने जा रही है, ओपन करने जा रही है। इंडिया दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने एक पूरा चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लिया है इसका, जितना भी इंडिया के पास जितना भी फौना वेराइटीज है, फौना वेराइटीज में बेसिकली मतलब एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, सब आते हैं। तो इंडिया में जितनी भी फौना वैरायटी है जिसका टोटल संख्या है 104,561, इसका इंडिया पहली दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने इसका एक पूरा एक तरह से रिकॉर्ड बोलिए या फिर चेकलिस्ट बोलिए प्रिपेयर कर लिया है, और ये पोर्टल का नाम है द फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, और ये अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें फाउंडेशन डे के अवसर पे इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा कोलकाता में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ना। ये एक्चुअली न्यूज सितंबर का है, ठीक ना, ये जुलाई का नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिस हो गया था, तो उसमें भी 177 के बाद ही मेंशन होगा, लेकिन ये भी न्यूज कुछ दिन पहले का है। इंडिया ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है, और इस अलायंस को इंडिया ने ही 2023 में लॉन्च किया था। इस तरह से अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 4 मेंबर हो गए हैं। ये मेंबर के नाम है इंडिया, निकारागुआ, ईस्वातिनी और सोमालिया, ठीक ना। और ये मैंने पहले मेंशन कर दिया कि
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंडिया ने ही लॉन्च किया था 2023 में। अब इंडिया भी फॉर्मली इसका मेंबर बन गई है। एक्चुअली किसी भी इंटरनेशनल अलायंस का मेंबर बनने से पहले यूनियन कैबिनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो ये स्वीकृति इंडिया को मिल गई है, ठीक ना। और ये बस ऐसे मैंने मेंशन कर दिया कि जो 7 बिग कैट्स बोले जाते हैं उसमें इंडिया में 5 पाए जाते हैं, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता। और 2 इंडिया में नहीं मिलते, प्यूमा और जगुआर इंडिया में नहीं मिलते, ठीक ना। अगला करंट अफेयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और 4 एशियान कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के साथ मिल के ये लोग एक प्रोजेक्ट नेक्सस पे काम कर रहे हैं। अब आपको जानना है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। ये एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली मतलब 2 देशों के बीच में पेमेंट कैसे हो, फ्लॉलेस पेमेंट कैसे हो, स्विफ्टली पेमेंट कैसे हो, इस पे ये वर्क कर रही है प्रोजेक्ट नेक्सस। और इसमें इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये 4 एशियान देशों के सेंट्रल बैंक के साथ काम कर रही है। और ये 4 देश हैं मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक ना। और इन लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि ये जो इनका प्रोजेक्ट नेक्सस का जो प्लेटफॉर्म है ये 2026 तक लाइव हो जाएगा और फिर आराम से इन सब कंट्रीज के बीच में इजीली फास्ट पेमेंट किया जा सकेगा। भारत की सबसे बड़ी रन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MSME सहज नाम का वेव वेस्ट डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन की शुरुआत की है, जिसके तहत किसी भी MSME शुरू करने वाले व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को 15 मिनट के अंदर 1,00,000 तक का लोन मिल सकता है। ऐसा कुछ है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बस यही इंपॉर्टेंट है कि MSME सहज पोर्टल शुरू किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जापान पूरे दुनिया में ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने एक 3D होलोग्राम वाले बैंक नोट्स रिलीज किए हैं। ऐसा जापान ने वहाँ जो नकली नोटों का व्यापार जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था उसको रोकने के लिए किया है। और ये इस तरह का नोट रिलीज करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है, 3D होलोग्राम नोट, ठीक ना। इसमें एक्चुअली जो इसने जो 3 अलग अलग वैल्यूज की जो नोट्स रिलीज की हैं 10,000 yen, 5,000 yen और 1,000 yen, तीनों में अलग अलग लोगों की जो फोटो बनी हुई है वो फोटो 3D में दिख पाएगी। इस वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि नकली नोटों को पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी और थाईलैंड की आर्मी के बीच में मैथ एक्सरसाइज किया गया, बस आपको नाम याद रखना है कि इन दो देशों के बीच में होता है। उसके बाद सेम इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ये तो आप लोगों से मोस्टली लोगों को याद ही होगा, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया गया है ये, और ये मेघालय में कंडक्ट हुआ था। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीति आयोग ने हाल ही में एक संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत इंडिया के जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं उसमें जो की इंडिकेटर्स हैं उसको कैसे अचीव किया जाए इस पर जोर दिया जाएगा। बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सब ब्लॉक वो जगह हैं जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, तो बहुत अच्छी बात नहीं है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होना या एस्पिरेशनल ब्लॉक होना। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी ने एक पोर्टल का शुरुआत किया है जिसका नाम है निर्वाण, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये बेसिकली सिविल सर्विस के एग्जाम में वैसा किसी भी व्यक्ति जो जहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के कहाँ गया हाँ जहाँ इंडिया में जो 39 कोल इंडिया लिमिटेड के जो ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उन सब डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कोई भी स्टूडेंट सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे तो उनको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसा स्कीम हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा भी रन किया जा रहा है। हाँ, नीदरलैंड्स ने फाइनली एक नया PM मिला है 14 सालों के बाद। उनका नाम है डिक स्कूफ
और ये एक्चुअली यह 7 महीने पहले ही इलेक्शंस हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई नया पीएम नहीं बन पाया था, तो फाइनली डिकस्कूफ ने एज द न्यू पीएम ऑफ एज एज द न्यू पीएम ऑफ नीदरलैंड्स शपथ ग्रहण किया है। और ये 7 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था, ये एक राइट विंग पार्टी से इनका नाता है, और ये अब 14 साल के बाद नीदरलैंड्स के नए पीएम के रूप में काम करेंगे। ठीक ना, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य 11 मिशन ने फाइनली अपना फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड जो सन और अर्थ के बीच में जो 11 पॉइंट है, जो लैग्रांज जो लैग्रांज 1 पॉइंट है उसके अराउंड आदित्य 11 ने अपना फर्स्ट हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन के टाइमलाइन को बढ़ा दिया है। अब यह टाइमलाइन 31 मार्च 2025 तक है। आपको पता होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन काफ़ी लाव लश्कर के साथ जून 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत इंडिया के 100 शहरों को चुना गया था, को चूज किया गया था, जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना था। तो गवर्नमेंट का अभी ये मानना है कि अभी इनको ऑलमोस्ट कुछ महीनों का टाइम और चाहिए, और मुझे नहीं पता इस मिशन में कितना काम हुआ, आप लोग खुद से देख लीजिएगा क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन फिलहाल यही न्यूज है कि स्मार्ट सिटी मिशन की डेडलाइन 31 मार्च 2025 कर दी गई है। इंडिया ने हाल ही में SCO का जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग थी, उसको इंडिया ने अभी अटेंड किया था, और ये मीटिंग हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। इस मीटिंग में इस मीटिंग के तहत 3 इम्पॉर्टेंट बातें, 2 तो यहाँ पे मेंशन है, एक मैं और बता देता हूँ। एक तो बेलारूस नया मेंबर बन गया है SCO का, ठीक ना। दूसरा, इस मीटिंग में अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। और तीसरा, ये हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग थी, बट स्टिल इसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। रशिया ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि ये अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन 2033 तक बनाएगी स्पेस में। आपको पता है कि जो अभी फिलहाल जो स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्क कर रहा है, ये इसको अब डिसमेंटल किया जाना है, ख़त्म किया जाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है, जो 2000 उसने लक्ष्य रखा है कि ये वो स्पेस स्टेशन 2033 तक बना लेगी, और इसका नाम वो रखने जा रही है रशियन और वाइटल स्टेशन। इंडिया ने हाल ही में एक रीजनल ग्रुपिंग है कोलंबो प्रोसेस, इंडिया हाल ही में उसका चेयरमैन बना है, और इसी के तहत एक्चुअली ये जो रीजनल ग्रुपिंग है 2003 में ही बन गया था, और इंडिया इसका चेयरमैन पहली बार बना है। और चेयरमैन बनने के बाद इंडिया ने एज चेयर फर्स्ट मीटिंग इसको एक तरह से इंडिया की चेयरमैनशिप में फर्स्ट मीटिंग इसका जेनेवा में हुआ है। और बस आप ये जानना है कि बेसिकली कोलंबो प्रोसेस क्या है। ये एक्चुअली 12 साउथ और साउथ ईस्ट एशियन देशों का समूह है, और ये जो भी इन देशों से माइग्रेंट वर्कर्स विदेशों में जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री में जाए या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाए या फिर अमेरिकन कंट्री में जाए, तो उनके हितों की रक्षा कैसे हो इसके लिए काम करता है कोलंबो प्रोसेस। और आज का लास्ट करंट अफेयर, हाल ही में इग्नू ने ये घोषणा की है कि अपने 2024-25 सेशन के लिए MA में उसने एक नया कोर्स शुरू किया है, इसका नाम है MA इन भागवत गीता स्टडीज। तो आज का 20 करंट अफेयर्स यहीं पे, हमारा 200 कंप्लीट हो चुका है, और आपको सारे 200 करंट अफेयर्स का PDF लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।